नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उस शख्स ने अपना खुद का एक देश बना लिया है और वो खुद को भगवान कहता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं भगोड़े बाबा नित्यानंद की। नित्यानंद की रेप से लेकर किडनैपिंग के आरोपी देश के भगोड़े बाबा नित्यानंद को पुलिस ढूंढ रही है, तो वहीं ये बाबा कैलासा नाम का देश बनाने का दावा कर रहा है। देश का भगोड़ा और विवादित धर्म गुरु नित्यानंद, जिस पर रेप का आरोप है, जो जेल जा चुका है और 4 साल से देश से फरार होकर कैलासा नाम का काल्पनिक देश बनाने का दावा करता है, ये नित्यानंद इन दिनों चर्चा में फिर से है। वो इसीलिए क्योंकि दावा किया गया है कि नित्यानंद के कैलासा को यूएन से मान्यता मिल गई। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है वो इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे। समंदर के एक टापू पर रेप के आरोपी देश के भगोड़े नित्यानंद ने एक रहस्य लोक बना रखा है। ऐसा मायावी संसार जहां नित्यानंद की स्वयंभू सरकार है, वही नित्यानंद जिसे देश की पुलिस कई साल से तलाश कर रही है, जिस पर रेप से लेकर किडनैपिंग तक का इल्जाम है, उसी नित्यानंद ने हिंदुस्तान से 16,000 किलोमीटर दूर अपना मायावी लोक बसाया हुआ है। इसका असली नाम राजशेखर है और ये मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुनामलई का रहने वाला है। नित्यानंद इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रहा है। उसकी वजह क्या है ये आपको बताएं, उससे पहले इसकी कुंडली जान लीजिए। नित्यानंद ने 12 साल की उम्र में आध्यात्मिकता ज्ञान प्राप्त होने का दावा किया था। कहा था कि वो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, लेकिन रेप का आरोप लगने के बाद साल 2019 में खुद नित्यानंद देश से फरार हो गया। ऐसे में हिंदुस्तान के इस भगोड़े की कुंडली खंगालनी जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं, नित्यानंद पर साल 2010 में रेप का केस दर्ज हुआ था। रेप के आरोप में नित्यानंद को गिरफ्तार किया गया था। साल 2019 में नित्यानंद पर बच्चों को अगवा करने और गलत तरीके से कैद करने का केस हुआ था। फरवरी 2020 में नित्यानंद के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। यानी कि अंग्रेजी में दुनिया को ज्ञान देने का दावा करने वाला नित्यानंद एक अपराधी है। अपने काल्पनिक देश को यूएन की मान्यता मिलने का उसने जो दावा किया है, उसका ना तो कोई सर है ना तो कोई पैर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष।